नमस्ते, हेलो है, कैसे हैं आप सब। आज का जो सवाल है वो है टाइम इन वर्क पर, और हम लोग सीखेंगे एक नया कॉन्सेप्ट आज। तो पहले पढ़ते हैं सवाल। राज कुंद्रा की एक फिल्म में, जानते हैं राज कुंद्रा को, बहुत ही अच्छे आजकल धार्मिक फिल्में बनाने लगे हैं वो। आठ पुरुष एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। आठ पुरुष मैंने 8 मेल 12 दिन में कोई काम करते हैं उनकी फिल्म में। 6 दिन के बाद 4 और अधिक पुरुष आ जाते हैं काम खत्म करने के लिए, मैंने 6 दिन काम हुआ उसके बाद। तो पूछ रहा है कि शेष काम कितने दिन में होगा। तो पहले इसके पीछे का जान लेते हैं कॉन्सेप्ट। आपको बोला गया है, देखिए कोई भी काम इक्वल टू होता है, वर्क इक्वल टू होता है मैन इंटू मैन का संख्या इंटू आपका टाइम डे। तो हम कह सकते हैं कि 8 आदमी 12 दिन में करते हैं तो टोटल वर्क कितना हो गया, 12 8 96, ठीक है। 96 ये वर्क है, हम लोग इसके वर्क मान लेंगे कि 96 वर्क करना है हम लोग को। अब 6 दिन काम हो गया है, यानी 8 जन 6 दिन काम किया, यानी कितना काम कर दिया है, 48 काम कर दिया है। टोटल काम कितना है, 96, कितना काम बचा, 48। तो अब क्या हुआ, 8 जन थे लेकिन क्या हुआ है कि और 4 जन आ गए हैं। अब कितना जन हो गया, 12 जन। तो 48 काम को 12 जन कितने दिनों में करेंगे, तो डिवाइड कर देंगे, 48 डिवाइडेड बाय 12, यानी 4 डेज लगेगा। देखिए 12 इंटू 4 अड रहेगा तो 48 हो गया सवाल, ठीक है। इसको दूसरा तरीके से कैसे कर सकते हैं, देखिए कि कुछ नहीं करना है, होता क्या है कि M1 इंटू D1 इक्वल टू होता है M2 इंटू D2, ठीक है। तो 8 आदमी 6 दिन में जो काम करेगा, क्योंकि 6 दिन तो काम हो चुका है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, तो अब मैन कितना हो जा रहा है, 4 जन एक्स्ट्रा आ जा रहा है, तो कितना टाइम लगेगा, डी कितना लगेगा, यही पूछा गया है। तो 6 2 जा और 2 4 जा, तो बस डी इक्वल टू 4 आ गया, हो गया सवाल।